नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्साइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार की सियासत की। जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि पलटी खा सकते हैं। आपको बता दें वो दो दिवसीय दौरे पर है, वो दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में मोदी से वो मुलाकात करते हुए नजर आए, अमित शाह से आज उनकी मीटिंग है। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि नीतीश फिर से कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है। इस बार यही है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और फिर उनको केंद्र में हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या वाकई में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोई चाल हो सकती है, या फिर वाकई में नीतीश लगता है कि केंद्र में कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं जो बिहार में वो नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तमाम तरीके के सवाल हैं और बिहार की राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई देगी। इस बार आरजेडी अपना परचम लहराएगी या भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार कितनी सीटों में सिमट कर रह जाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आश्रुति किस तरीके से नीतीश का एक बार फिर से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि वो पार्टी से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी से या मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे देंगे, फिर केंद्र में उनको हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार ने जब से, आप देखें, बिहार में जेडीयू का गठबंधन एनडीए के साथ हुआ, पलटी मारी नीतीश कुमार ने, तो कहीं ना कहीं आप देखें पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। एनडीए में शामिल हुए, बीजेपी की ओर मुड़ गए, प्रधानमंत्री मोदी की ओर मुड़ गए, उसी मोदी की ओर मुड़े जिस मोदी के खिलाफ पता नहीं कितने बयान नीतीश कुमार ने हाल ही के समय में दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अगर वो इस बार एक बार फिर पलटी मारते हैं तो मुझे नहीं लगता राजनीति में अब उनका जो एक करियर है वो करियर, पहली बात तो आप देखिए एक पूरा एक सहकर्ता के साथ वो करियर कहीं ना कहीं चलेगा, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनका अगर मौका देने की चाह में भी बीजेपी बैठी होगी, एनडीए बैठा होगा, शीर्ष कमान बैठा होगा, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अपने वो सारे तमाम प्रयासों पर कहीं ना कहीं पानी फेरता दिखाई देंगे। और एनडीए में नीतीश कुमार अगर इस वक्त मौजूद है तो मुझे लगता है उन्हें वहां पर अपना पद बनाना चाहिए, और वो अगर दिल्ली में मौजूद है, आप जैसे बता रही हैं जानकारी के अनुसार आप बता रही हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली में मौजूद वो कहीं ना कहीं इसीलिए है ताकि वो एनडीए को और एनडीए शीर्ष कमान को, बीजेपी को कहीं ना कहीं आप देखें उनको लुभा सके, मना सके कि केंद्र में उनको एक बड़ा पद मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से आप देखें पलटी मारी जा रही है, कहीं ना कहीं आप देखें एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देखें बिहार में एनडीए की हार होती दिखाई दे रही है, आरजेडी की जीत, विपक्ष की जीत होती दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार से मुख्यमंत्री का पद वो खो देंगे, तो उन्हें अब केंद्र में पद चाहिए ताकि अगर वो केंद्र की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पद को, एक तरह से कहें तो अपने पद को सुरक्षित रख पाए। जी बिल्कुल, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई में इन सब केंद्र में पद के लिए सब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई चाल है, वो चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाए, क्योंकि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार कमजोर हुई तो नीतीश का हटना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको लुभा कर कहीं ना कहीं केंद्र में बिठाना चाहती है, और वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो वहां पर नया मुख्यमंत्री कौन निकल कर आएगा, यह बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के खेमे में जाए, इसलिए उनको केंद्र में रोककर भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है, और जिससे उनके विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे। देखना फिर भी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटी मारने से पहले उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी या फिर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल आपको इस पे क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।